हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं नॉर्थ और वेस्ट, पश्चिम और उत्तर दो तरफ हमारा मकान का मुख है। और अगर बात करते हैं प्रॉपर्टी की तो इस मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। और जो मैं आज आपको मकान का प्लान दिखाने जा रहा हूँ, यह मकान कम्प्लीट हो चुका है तो मैं आपको उसकी इमेज भी दिखाऊँगा कम्प्लीट होने के बाद की। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो आपको मकान दिख रहा है, इस मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी, ठीक है, और वेस्ट फेस है और नॉर्थ के अंदर भी फेस है। तो दो तरफ हमने इस मकान के मुख रखे हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी पहले पश्चिम दिशा से शुरुआत करते हैं। और दोस्तों ये जो हमारा मकान बना हुआ है वो टोटल 1800 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर ये बना हुआ है, ठीक है। 1800 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर ये हमारा मकान है जो कि बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये हो गई दोस्तों हमारी पश्चिम दिशा, और यहाँ पर ये हमारा हो गया 5 फीट 9 इंच चौड़ाई के अंदर ये हमारा हो गया पोर्च। पोर्च के इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 फीट का दरवाज़ा है, और ये हमारा रहा ड्राइंग रूम जिसकी हमारे पास साइज है 11x14। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 14 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा हो गया ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम की 1 4 फीट की विंडो हमारी सामने पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है और 1 4 फीट की विंडो इधर हमारी दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। अब इस ड्राइंग रूम से यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाज़ा है। यहाँ से हम जैसे ही एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमारा आ रहा है स्टेयरकेस, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, और 4x7 फीट का हमारे पास स्टेयरकेस का लैंडिंग है, ठीक है। अब स्टेयरकेस के इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारे पास है 2.5 फीट का दरवाज़ा और आ रहा कॉमन टॉयलेट जिसकी हमारे पास साइज है 4x8 इंच × 8x4 इंच। 4x8 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 8x4 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा हुआ है कॉमन टॉयलेट जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन हमारा दक्षिण दिशा के अंदर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा बेडरूम आ रहा जिसकी हमारे पास साइज है 12x13। 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 12x13 का हमारा बेडरूम है जिसकी 2 3 3 फीट की विंडो सामने पोर्च के अंदर निकल रही है। और अब इसी बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए दोस्तों 2.5 फीट का दरवाज़ा, अटैच टॉयलेट आ रहा जिसकी हमारे पास साइज है 5x7। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 7 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा अटैच टॉयलेट हो गया जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन सामने वरामदा के अंदर निकल रहा है। अब अटैच टॉयलेट वापस बाहर आते हैं तो ये हमारा हो गया बेडरूम। बेडरूम से वापस बाहर आते हैं इस तरफ चलते हैं तो ये हमारा आ रहा दोस्तों डाइनिंग एरिया जिसकी हमारे पास साइज है 14x18 फीट है। 14 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 18 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा हो गया डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाज़ा, ये हमारा किचन जिसकी हमारे पास साइज है 9x6 इंच × 14 फीट। 9.5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 14 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा किचन हो गया जिसकी 1 4 फीट की विंडो पीछे पूर्व दिशा के अंदर और 1 4 फीट की विंडो इधर दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। इसी किचन के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए दोस्तों 2.5 फीट का दरवाज़ा और अटैच स्टोर रूम आ रहा जिसकी हमारे पास साइज है 4x8 इंच × 8x4 इंच। 4x8 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 8x4 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा स्टोर रूम हो गया जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी दक्षिण दिशा के अंदर निकल रहा है। अब स्टोर रूम से वापस बाहर आते थे हमारा गया किचन, किचन से वापस बाहर आते थे हमारा गया डाइनिंग एरिया, और फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा आ रहा पूजा रूम जिसकी हमारे पास साइज है 5x3 इंच × 12 फीट। 5x3 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा पूजा रूम हो गया जिसकी 3 फीट की विंडो पीछे पूर्व दिशा के अंदर निकल रहा है। अब पूजा रूम से वापस बाहर आते हैं तो इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा आ रहा लिविंग एरिया जिसकी हमारे पास साइज है 11x14 फीट। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 14 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा लिविंग एरिया है, और इस लिविंग एरिया की 4 फीट की विंडो इधर हमारी पार्किंग एरिया के अंदर निकल रही है। अब लिविंग एरिया की इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा बेडरूम आ रहा जिसकी हमारे पास साइज है 11x12। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा बेडरूम गया जिसकी 1 4 फीट की विंडो पीछे पूर्व दिशा के अंदर और 1 4 फीट की विंडो इधर उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते तो ये हमारा हुआ लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के यहाँ पर देखिए दोस्तों 2.5 फीट का दरवाज़ा और कॉमन टॉयलेट आ रहा जिसकी हमारे पास साइज है 5x7 इंच × 7 फीट। 5x7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 7 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया जिसका 1 2 फीट का वेंटिलेशन सामने निकला और 1 2 फीट का वेंटिलेशन इधर उत्तर दिशा के अंदर निकल रहा है। अब इस कॉमन टॉयलेट से वापस बाहर आते तो ये हमारा हुआ लिविंग एरिया। लिविंग एरिया इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा आ रहा घर का दूसरा मेन डोर, इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर हमारा आ रहा पार्किंग उत्तर दिशा के अंदर जिसकी हमारे पास साइज है 10x15x6 इंच। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 15x6 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा पार्किंग हुआ है जहाँ पर आपके आराम से कार पार्क हो जाएगी। पार्किंग एरिया इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास 6 फीट चौड़ाई के अंदर यहाँ पर ये वरामदा बना हुआ है और यहाँ पर ये पोर्च हो गया है। तो चलिए मैं आप इसको वापस एक साथ दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हो गई पश्चिम दिशा, 1800 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर ये बना हुआ है। ये हो गई हमारी उत्तर दिशा, यहाँ पर ये हमारा पोर्च, ये हमारा ड्राइंग रूम। मतलब कि अगर आप पश्चिम दिशा से अगर एंटर करते हो तो आपको सबसे पहले होना पड़ेगा ड्राइंग रूम के अंदर एंटर, ठीक है। और अगर आप उत्तर दिशा से एंटर होते हो तो आप एंटर हो गए लिविंग एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये हम दोनों तरफ भी सोफे लगेंगे, क्योंकि जो ड्राइंग रूम है यहाँ पर भी सोफे लगेंगे और जो ये लिविंग एरिया है यहाँ पर भी सोफे लगेंगे। तो आप किसी भी यहाँ से भी एंटर करोगे तो भी सोफे हैं, और अगर यहाँ उत्तर दिशा से एंटर करते हो तो यहाँ पर भी आपको सोफे वगैरह लग जाएंगे, ठीक है। तो आपके दोनों तरफ से जो लुक है वो अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइंग रूम, यहाँ पर स्टेयरकेस, ये बेडरूम, इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट, ये कॉमन टॉयलेट, और ये हो गया हमारा बरामदा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर ये पार्किंग और ये लिविंग एरिया, ये हमारा डाइनिंग एरिया, यहाँ पर कॉमन टॉयलेट, ये किचन, इसका ये अटैच स्टोर रूम, यहाँ पर ये पूजा रूम हो गया, और ये हमारा दूसरा बेडरूम हो गया। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैं आपको इसको वापस दिखाता हूँ जूम करके। तो ये इस प्रकार से हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, और मैं आपको इसकी जो मकान जो ये है कम्प्लीट हो चुका है, तो मैं इसकी आपको अभी कम्प्लीट मकान की जो बाहर से सामने की जो फ़ोटो है वो भी दिखाता हूँ। तो चलिए वो पहले आप फोटो देखिए।